खबर झुंझुनू से है, जहां रायका कॉलोनी में 50 लाख रुपए की नकदी और जेवरात की लूट का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक चार युवकों ने रायका कॉलोनी के एक मकान पर धावा बोल दिया। इस दौरान बदमाशों ने बंदूक की नोक पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। घटना के वक्त घर में केवल महिलाएं और बच्चे उपस्थित थे। ऐसे में मौका पाकर बदमाशों ने घर के सभी लोगों को बंधक बना लिया। इसी के साथ नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। मामले की सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। फिलहाल पुलिस जो है वो आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मर सुत्या की कलपटी दरी बाई और भी नहीं रूम में सुत्या है, विम कूलर चाल रही हो, फिर बाई जाए हमारे कनपटिया में तो रख ली, और फिर बाई नवाज सुनी जाए दादी साकी जो बाहर निकली उन्हें मेरे पर बैठा दी, बिंगड़ी नहीं बैठा दी, और फिर बाई को कहना धरे हो भी मई रूम में, पहले वो काटे उन्हें, फिर वो स्टोर में गए, स्टोर में सिंदूक में बीनने को रखे हो, वो ताड़ो तोड़े हो बीनने को काट दो, फिर ए रूम का मैं छोटी मोटी चीज और पाजे पूजे एक बैग भरे धरे हो वो बैग निकालो, फिर तीसरा रूम में चौथा रूम में गया भी कम है, बाई का डॉक्यूमेंट और रखड़ी सिसपोल रखा हुआ था वो काट दो, और 60 तोड़ा तो बाई को है और 65 तोड़ा बीनने को। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए झुंझुनू से एवं संवाददाता सुजीत शर्मा फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुजीत, दिन दहाड़े इस पूरी वारदात को लूट की घटना को अंजाम दिया गया, 50 लाख रुपए की लूट की गई, इसके बारे में क्या पूरी अपडेट है आपके पास? जी, जैसे आपको बता दूं कि झुंझुनू के अंदर ये बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें देर रात करीब 2 बजे के घर के अंदर घुसे थे और उसी दौरान करीब 40 से 50 लाख रुपए की नकदी जेवरात व 40,000 रुपए की नकदी लेके फरार हो गए, और जो जेवरात है सोने के वो 40 से 50 लाख रुपए के बताए जा रहे हैं, जिसके अंदर परिवार के अंदर केवल 4 महिलाएं मौजूद थी, और महिलाओं का कहना है कि उन्हें बंधक बनाकर ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, पिस्तौल की नोक पर उन्हें बंधक बनाया गया और उसके बाद पूरी की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद सुबह जैसे ही पता चलने के बाद पूरा प्रशासन हरकत में आया और एडिशनल एसपी खुद मौके पर पहुंचे और डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई है और एफएसएल की टीम भी बुलाई जो जहां से नमूने उठा रही है। सुजीत, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से इस पूरी लूट की घटना को अंजाम दिया गया, पुलिस अब किन चरणों में इसकी तफ्तीश में जुटी हुई है, किस प्रकार से इस लूट की गुत्थी को सुलझा जाएगा? जी जैसे बिल्कुल, पुलिस इस वारदात को बड़ी गंभीरता से ले रही है, इसको लेकर झुंझुनू एडिशनल एसपी वीरेंद्र मीणा भी सुबह मौके पर पहुंचे थे और शायद डीएसपी लोकेंद्र दादरवाल भी मौके पर पहुंचे थे और डॉग स्क्वाड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया था कि बारीकी से पूरी जांच की जा रही है और जगह जगह से सैंपल है वो उठाए जा रहे हैं और उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस पूरी गुत्थी को सुलझा दिया जाएगा। जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया सुजीत।